लेजेंड में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो देखा था उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों को मार्टी ने बुलाया था, तो जाना है मार्टी के पास, देखते हैं क्या क्यों बुला रही है। ओके, तो देखते हैं क्यों वो हम लोगों को बुला रही है घर के अंदर। तो जल्दी से हम लोग जा के देखते हैं। और बेसिकली एपिसोड यहीं से स्टार्ट करना पड़ रहा है हम लोगों को, हम लोग यहीं से आज का एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर मार्टी हम लोगों को बुला रही है घर के अंदर। तो भाई बिना किसी टाइम गवाए हम लोग अपना गेम में चलते हैं। तो गेम में हम लोग जैसे ही आ जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने यहीं पर लास्ट टच किया था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बुला दी। तो मार्टी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो यार ये सब क्या है, पूछते हैं। ओके, व्हाट इज दैट, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। मार्टी बोल रही है यहाँ पे सम ऑफ एंटी वुल्फ स्टफ, तो वुल्फ को भगाने वाला चीज़ें कुछ हैं उसके पास। एंड देखते क्या है, आई नेवर डेयर टू यूज़ दस बिफोर। तो इस मार्टी बोल रही है यहाँ पे कि उसने कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसको डर लगता था बेसिकली। एंड बट आई नो आई कैन डू दैट नाउ, तो अभी वो यूज़ करना चाहती है क्योंकि वो अभी कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट है। ओके, एंड आई डोंट वांट टू से नेवर कम्स बैक। तो अभी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अभी वुल्फ से भी नहीं डरेगी, वुल्फ अगर उसको डराने की कोशिश भी करता है तो। गुड आइडिया बट बिनिंग इन द कॉन्फिडेंट कॉल वी प्रॉब्लम टू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने से डर भी लगेगा, मतलब प्रॉब्लम भी बन सकता है। ओके, बेसिकली बन सकता है यार। एंड स्पेशली वन इज द मीन रियल एनिमल आउट देयर, तो जो जब सच में यार रियल एनिमल होगा बाहर तो डर तो लगेगा ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना भी नहीं चाहिए। और वो इस कैट ऑफ द बुल ऑफ दूटी, तो यहाँ पे मार्टी सोच रही कि युग को डर रहा है बुल्फ से इसलिए वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन बुल्फ युग तो कुछ और ही सोच रहा है। ओके, सच में यार युग तो कुछ और ही सोच रहा है इसीलिए। एंड डोंट वरी युग, आई नो हाउ इट फील्स टू बी अटैक बाई ए बुल्फ। तो यहाँ पे मार्टी बोले हाँ मुझे पता है युग तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा बुल्फ के अटैक से, सो इट्स ओके टू बी एफर्ट यू आर नॉट एल। तो यहाँ पे मार्टी बोले कि तुम हाँ तुम डर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम अकेला नहीं हो, आई विल टेक केयर ऑफ यू माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे मार्टी बोल रही कि हाँ मैं तुम्हारा भी देखभाल कर लूँगा, बुल्फ से बचा लेगी आई थिंक, थैंक्स बट आई एम नॉट एफर्ट। तो यहाँ फिर बोले नहीं मैं डरा हुआ नहीं हूँ, इट वॉज जस्ट ए सिंपल वुल्फ अटैक। तो यहाँ पे बोल रहे कि जस्ट एक सिंपल वुल्फ अटैक था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन आई सी दैट बॉक्स, तो यहाँ पे बोल रहे ठीक है मैं बॉक्स देख सकता हूँ, बोला बॉक्स। ओके, तो वो ले लिया है हाथ में, देख सकता हूँ। यू आर राइट, यू कुड बी यूज सम दस आइटम्स टू गिव द वुल्फ एंड अ बिग एस केयर। तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि मतलब बोल रहा है कि वो वुल्फ को डराने के लिए कुछ चीज़ें बना सकते हैं इससे। इट कुड कम विद गुड प्लान विद द डेट टू देयर यू नो, तो यहाँ पे कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, तो पूछ रहा है मार्टी से क्या वो मतलब करना चाहता है कोई प्लान वुल्फ को मारने के लिए, आई मीन भगाने के लिए। श्योर, तो यहाँ पे मार्टी भी मान जाती है एंड यू कैन काउंट ऑन मी। तो मार्टी भी बोली कि हाँ तुम मुझे अपने साथ ले सकते हो, आई वांट दैट वुल्फ वंस एंड आई कैन डू इट अगेन। तो यहाँ पे मार्टली फुल कॉन्फिडेंट है कि मार्टली जब एक बार वुल्फ का पिछवाड़ा जला चुकी है तो दूसरा बार भी कर सकती है, वो ऐसा सोच रही है। दैट्स माय गर्ल, तो यहाँ पे बोले सही बात। एंड वो यहाँ पे पॉइंट फॉर नाउ लेट्स हैव आवर डेली रूटीन एज यूजुअल बट रिमाइंड द। ओके, तो वी कैन लेट दैट एनिमल सरप्राइज अस अगेन, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उस एनिमल हम लोगों को फिर से सरप्राइज कर दें। आई एग्री एंड विल डील विथ हिम टूगेदर, तो ठीक है हम लोग साथ मिल के करेंगे हम। ओके, वेल ऑफ कोर्स विल एंड यू सेव मी फ्रॉम द वुल्फ, मंथली आई वॉन्ट एबल टू डू इट विदाउट यू। तो तुमने मुझे सेव किया मतलब बचाया उस वुल्फ से, तो मैं तुम्हारे बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ पे वुल्फ बोल रहा है। ओके, बट पता तो है हम लोगों को यहाँ पे झूठ बोल रहा है और क्या। सुपर, लेट मी नो व्हेन यू आर गॉट ए प्लान देन, तो जब तुम्हारे पास कोई प्लान रेडी हो जाए। मार्टी यहाँ पे बोली कि तब तुम्हारे पास कोई प्लान रेडी हो जाए तो फिर मुझे बता देना। आई विल, तो ठीक है हम बता देंगे। तो टाइम टू थिंक वंस मोर, तो ठीक है हम लोग फिर से सोचना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्लान बनाता है अपना युग। तो यहाँ लिखा है मार्टी बिलिंग द ट्रेडर्स विद द बिग बैड वुल्फ एंड देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग फील, आई मीन प्लान क्या बना सकते हैं हम लोग। क्या लिखा है, टेक्स टू ट्रैप, क्या मतलब होता है इसका, देखते हैं।
You know, Ryder is lying to the trap to the good idea, but I don't feel like the digging in the ditch. Okay, I summon the Martley and the pursue the one step far. Let's go and run the tail about the one loot together. तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि ट्रैप बनाने का, तो देखते हैं मार्टली से बात करते हैं क्या बना सकते हैं हम लोग ट्रैप। तो हाय मार्टली, तो क्या हेलो एंड यहाँ पे ट्रैप के बारे में, ओके हे आर द डील, वी नो द वुल्फ कम्स एट द अराउंड द डस्क, ओके एंड हाउ अबाउट वी कैन ले ए ट्रैप फॉर हिम। तो क्या सोच रहे हो कि हम लोग एक ट्रैप बनाएं उसके लिए? ए ट्रैप, या आई सॉ सम यूजफुल आइटम इन योर बॉक्स यू हैड। तो उसके बॉक्स में कुछ आइटम है जो यूजफुल है ट्रैप बनाने के लिए। वी कैन स्टार्ट अ बिग फायर एंड गिव द वुल्फ कैन स्केयर आउट इट्स लाइफ। तो हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं, मतलब आग वाग लगा सकते हैं जिससे वुल्फ डर जाए और कभी वापस ही नहीं आए। ओके मार्टली यहाँ पे बोले, हाँ मुझे प्लस पसंद आया, ओके आई मीन आइडिया, टेल मी व्हाट टू डू। तो ठीक है, बोलो बताओ क्या करना होगा हम लोग। फर्स्ट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ बाइट। तो पहले तो हम लोग कुछ बाइट चाहिए, मतलब उसको लो जाने के लिए कुछ। एंड आई कैन द बी द बाइट। तो यहाँ पे मार्टली बोली, हाँ मैं बन सकता हूँ बाइट। यहाँ पे बोल द नो टू रिस्की एंड आई कैन डू इट यू आई एम नॉट एफर्ट। तो यहाँ पे मार्टली एकदम कॉन्फिडेंस है, वो डर नहीं रहा। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कॉलेज एंड बट आई डोंट वॉन्ट यू डू द बाइट इधर। तो यहाँ पे मार्टली बोले, मैं नहीं चाहता तुम भी बाइट बनो खुद का। Well, actually, no, please, so I don't want to be taken by the wolf. तो यहाँ पे मैटली बोली कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी वुल्फ खा जाए। एक्चुअली आई वॉज गोइंग टू सजेस्ट मेकिंग डेकॉय। तो डेकॉय होता है एक पुतला वगैरह चीज़ें जो डमी वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं। ओके एंड आई कैन क्राफ्ट समथिंग दैट लुक्स लाइक यू टू फुल द वुल्फ। तो हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे वुल्फ को हम लोग डरा सकते हैं बेसिकली। यस गुड आइडिया, तो सच में गुड आइडिया ही है। ओके एंड आई विल टू फ्यू आइटम्स अराउंड द हाउस एंड व्हाट आई थिंक दैट विल बी ऑन द इज। तो कुछ आइटम्स वो यहाँ पे लिख दे रहा है मार्टी को जिससे वो बना सकता है वो डमी, ठीक है। नहीं थिंक यू नीड, ओके एंड ओके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं दिस विल डू। तो एक झाड़ू चाहिए, झाड़ू का फेस, ओके बाल बनाने के लिए आई थिंक, ओके एंड बहुत अच्छा है। एक तकिया जैसा कुछ चाहिए, एक रस्सी चाहिए और एक डंडा है, ओके। तो हम लोगों को जो चाहिए, एक झाड़ू चाहिए, एक तकिया चाहिए, एक रस्सी चाहिए। तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। आई विल नीड टू गेट टू गेट टू द मॉप एंड पिलो एंड सम रोप। तो हमें कुछ चाहिए, ओके एंड देन आई कैन गो टू टेंट इन द क्राफ्ट देयर। ओके तो हम लोगों को टेंट जाना होगा, उसके बाद इसको बनाना होगा। व्हाट इज दैट सपोज टू बी मी, ओके। तो इट विल बी मार्टली, तो मार्टली का बनाना है, ओके ठीक है एकदम, हाँ ओके। तो हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए हम लोग देख लेते हैं इस बेटर लोग, चलो जल्दी से देखते हैं। ओके तो हम लोग जल्दी से चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। ओके मुझे चीज़ तो मिल गया, ओके एंड जो हम लोगों को चाहिए फर्स्ट थिंग मिल गया। अब हम लोगों को रस्सी चाहिए, ओके एक तकिया चाहिए, ओके दूसरा तकिया भी मिल गया। और हम लोगों को रस्सी कहाँ से मिलेगा भाई? Where do I look for the rope? Okay, तो मिल गया मुझे, रोप भी मिल गया। तो हमें तीनों चीज़ें मिल गया, ओके एंड तीनों चीज़ जब मिल चुका है तो हम लोग जल्दी से अपने टेंट में चलते हैं और टेंट में जाके उसको बना देते हैं, ओके जल्दी से। आई ट्राई टू बिलीव ओके। तो मार्टली के जैसे देखने में लग रहा है, ओके ये क्या बना दिया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसको देखो यार, इसको बहुत अच्छा लग रहा है नाइट। Okay, well, this is a good as I can make and hopefully it will be through to the team from the wolves. जल्दी से इसको लेके चलते हैं, फिर इसको शाम को बाद वक्त लेके जाना होगा, तभी तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग एंड तो एक काम करते हैं, हम लोग चीज़ें जो बना चुके हैं उसको हम लोग का डस्ट के टाइम, मतलब इवनिंग के टाइम फिर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो अभी के लिए हम लोग सो जाते हैं। तो हम लोगों को जल्दी से इसको इवनिंग बनाना होगा, ओके तो हम लोगों ने इसको बना दिया एंड हम लोग बात करते हैं अभी, ओके तो या आई गॉट रेडी टू डिकॉय, ओके तो हम लोग देखो बना चुके हैं वो चीज़ें पुतला एकदम नाइट वॉच, ओके एंड बेसिकली उसको ऐसा चीज़ बनाया इसलिए यस इट इज़। तो हम लोगों ने जो बना लिया उसको जल्दी से आगे जाके ट्रैप को बनाते, ओके आर यू सी वांट टू डू दिस, तो तुम सच में करना चाहते हो ना? तो ओके हाँ आई एम नॉट लिविंग यू वेल ऑन, ओके
एंड वी विल डू इट टुगेदर, तो हम दोनों मिलके हम इस करते हैं, बुध को भगाते हैं। वेल ओके देन एंड इट्स सो टाइम, तो चलो अभी करते हैं। तो जल्दी से जाके हम लोग पहले ही उनको देखे, आई वॉन्ट आउट द मैटल फील्ड एंड उसने लगा दिया एकदम फॉरेस्ट। तो देख सकते हम लोगों ने डमी को लगा दिया यहाँ पे एंड देखते यहाँ पे पेट्रोल भी लगा दिया उसके साथ। ओके ऑयल तुम देख सकते हो यहाँ पे काला काला लगा हुआ है एंड अभी वेट कर रहे हैं बुल पाए, तो फिर उसके बाद जला देंगे इसको। गुड जॉब, नाउ लेट्स वेट एंड होप दिस मैन लव द डिसेंट। ओके तो बुल भी आ चुका है, लुक ये लो बुल भी आ चुका है। देयर वाज ए पेयर ऑफ आईज लुकिंग एट द कॉल, तो बुल्स आके एकदम अटैक कर देता है एकदम पे, मटली आग लगा देती है बुल के उस पेट्रोल में एंड जिससे वो जलना स्टार्ट कर देता है। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे वो बुल भी जलना स्टार्ट हो जाता है एंड अब बुल्स को देखा होता है बुल्स ने एक्सपेक्टिंग दैट बिग बैड बुल्स, तो यहाँ पे बुल्स डर के भाग जाता है। ओके एंड जंगल में चला जा रहा है, इज गेटिंग अवे, तो यहाँ पे मटली बोले वो चला जा रहा है बस। मटली वायर आर यू गोइंग, तो मटली भी चला जा रही है जंगल के अंदर एंड यहाँ पे वो पूछ रही है उससे। ओके वो तो अंदर ही चली गई। ओके तो अंदर जाके देखते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे युग बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करता है, फिर भी वो जंगल की तरफ बुल्फ के पीछे जाने लगती है। तो डन बिलिंग्स का मटली यहाँ पे बोले मैं डरते हुए अब थक चुका हूँ, तो यहाँ पे युग बहुत ज़्यादा डर रहा है बिकॉज क्योंकि ये घना जंगल है और बुल्फ के पीछे जाते से कहाँ चले गई पता नहीं। एंड सो आई डी, तो यहाँ पे फिर से मिल चुके। ओके व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर मटली एंड व्हिच वे डिड ही गो, तो कौन सा जगह चला गया वो बुल्फ, आई डोंट नो, तो यहाँ पे बोला मुझे भी नहीं पता एंड वी आर लॉस्ट, तो नो दैट्स अ वे बैक, तो चलो फिर से वापस चलते हैं। और क्या है यहाँ पे युग बोल रहे हैं, ओके आई जस्ट टॉक टू पंच यू नो द पॉइंट एंड व्हाट वाज दैट, तो अभी कुछ हुआ। ओके एंड डिड यू हेयर दैट, आई हेयर नथिंग, तो यहाँ पे युग बोला नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, डोंट पैनिक मटली, ओके तो रिलैक्स हो जाओ as long as we have the torches on to work. Okay, तो जब तक हम लोगों के पास यहाँ पे टॉर्चेस है तो तब तक हम लोग डर मतलब कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक है हम लोगों का टॉर्च। तो तभी हवा से वो बुझ जाता है। ओके एंड जैसे टॉर्च बुझता है तब वो बोलता है कि तो यहाँ पे तो ये डोंट वरी मटली, तो यहाँ पे मटली को बोले कि डरो मत चिंता मत करो, फिर भी यार इतना अंधेरे में फिर भी बोला कि चिंता मत करो, माई आईज आर गेटिंग यूज टू द डार्क, तो यहाँ पे बोले कि मेरा आँख तो अंधेरे का आदत पड़ गया, माइंड टू कैन यू गो बैक, तो ठीक है हम लोग वापस चल सकते हैं। ओके बट वो सो लाइट द टॉर्च सेकंड फास्ट, तो पहले हम लोग अपने टॉर्च को फिर से लाइट कर लेते हैं। ओके मतलब आग जला लेते हैं फिर से एंड यहाँ पे मटली व्हाट दिस व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे मटली पूछ रही वो क्या है वो जंगल के अंदर, और आई थिंक ये बुल्फ ही है। ओके हाँ फिर से वो बुल्फ आ चुका है, तो फिर से वो बुल्फ वापस आ गया। ओके मटली रन फॉर इट, ओके तो फिर से वो भी जा रहे हैं एंड तो यार बुल्फ आके अटैक कर देता है मटली के ऊपर ही। ओके देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे बुल्फ हैं यहाँ पे, युग बुल्फ का पूछ पकड़ के घुमाने लग जाता है आई थिंक स्टूपिड और नॉट इट वर्क, एंड जैसे भूज को पकड़ता है तो बुल्फ फ्राई क्विक को काट लेता है देख सकते हो एंड फर्स्ट प्लॉट आई मैनेज टू होल्ड हिम इन द बाय यूजिंग द टॉर्च, तो जो डंडा था उससे बुल्फ ने जो डंडा था उसके पास तो उससे वो बुल्फ को रोकने में कामयाब तो हो जाता है, उसका फेस देख सकते हो। नो यू कैंट कम ऑन मटली योर टॉर्च, तो मटली को बोले कि तुम्हारा टॉर्च लेके जल्दी आओ, लाइट योर टॉर्च, जल्दी से तुम्हारा टॉर्च को जलाओ। ओके जो हैंग ऑन, तो यहाँ पे मटली टॉर्च को जलाने की कोशिश करता है, आई एम ट्राइंग टू सी कीप ट्राइंग टू वर्क, ओके इट्स नॉट वर्किंग, तो काम भी नहीं कर रहा वो लाइट जल ही नहीं रहा, आई थॉट आई वाज रन फॉर, तो यहाँ पे वो सोच ही रहा था कि वो मर ही जाएगा अब आज तो, एंड देयर मटली टॉर्च जला के बुल्फ को फिर से आग लगा देता है। टेक दैट यू आर रिपोर्ट, ओके सी डू नॉट द तो फिर से बुल्फ का आग लगा देता है, बुल्फ भाग जाता है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का बुल्फ को भगाने में
तो हम लोग बुल्फ को भगा चुके हैं एंड बुल्फ यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है, मतलब भाग जाता है। देख सकते हो यहाँ पे बुल्फ भाग रहा है। ओके, तो बुल्फ एकदम डायरेक्ट पानी के अंदर गया और वहाँ पे फिर से वो कोई शार्क आके उसको खा गया। चलो बुल्फ का पीछा छूटा क्योंकि उसको शार्क ने खा गया। अब बुल्फ शार्क के पेट में, तो यहाँ पे एंड आई एम सॉरी, तो यहाँ पे मालिक बोलेगा मुझे माफ़ करना एंड उसने जो ट्रॉप्स वगैरह, आई एम सॉरी फॉर कमिंग यार। तो यहाँ पे मार्टली बोले मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ तक आ गया था। ओके, यू ऑलमोस्ट डाइड बिकॉज ऑफ मी, तो तुम मर ही जाते मेरे वजह से। आई एम फाइन मार्टली, यहाँ पे बोले नहीं कोई बात नहीं मैं सही हूँ। आर यू क्राइंग, तो यहाँ पे मार्टली रो रही है। आई थॉट आई वाज टू लॉस यू, तो यहाँ पे मार्टली बोली कि मैं तुम्हें बस खोने वाला था। तो हम लोग घर जाने के लिए वापस चलते हैं। ओके, तो हम लोग घर आ चुके हैं मार्टली के एंड यार तो बस हम लोग आ चुके हैं एयर फेस। तो यहाँ पे फेस मतलब उसका फेस जो कट गया है ओके मेरी एक वजह से। आई डिडंट नोटिस यू आर एट द बिल्डिंग, तो मैंने देखा भी नहीं तो तुम्हारा खून निकल रहा है। इट्स वाज जस्ट क्रैच, तो यहाँ पे एक बोला कि नहीं जस्ट एक छोटा सा घाव है। बट यार सेकंड आई विल क्लीन इट फॉर यू, तो रुको यहाँ पे मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ अपने ब्लड को घाव को सही में। ओके, यहाँ पे सोच रहे हैं हम लोग लकी है कि हम लोग जिंदा वापस आ चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था एंड आज का एपिसोड तुम लोगों को अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, अगर अच्छा एपिसोड लगे तो भाई लाइक कर देना। आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।